इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी से करते हैं, जहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का नीट के मामले को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डाले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक पूरी जानकारी दें। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, परीक्षा केंद्र की भी पूरी जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, छात्रों की पहचान उजागर ना हो, ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। और अंकित इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए अंकित, नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है कि परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डाला जाए और साथ ही जो छात्रों की पहचान है उसे छुपाया रखा जाए। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल शिखा, अगर देखिए जिस तरीके से नीट को लेके आजकल जो गर्मी का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से गर्मा गर्मी है, तमाम जो जांच एजेंसियां वो काम कर रही हैं, ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, कार्यकारी टीम जैसी थी उन लोगों को कागजात देते हैं जिन्होंने पोस्ट डेटेड चेक किए थे, तो बिल्कुल पैमाने पर लीक नहीं चाहते थे, अन्यथा उनके प्रयास बर्बाद हो जाते। इस गिरोह के सदस्य हजारीबाग में पेपर भेजा गया था, गिरोह का एक और सदस्य ने व्हाट्सएप के जरिए पटना पेपर भेजा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रश्न को हल करने वाले तीन को केवल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने ये भी कहा कि सीबीआई की जांच से हमें पता चल जाएगा उन्होंने प्रश्न कब मिला। इससे पहले जो सामने समय अवधि की बात की जा रही थी, जितना कम समय व्यापक लीक की संभावना उतनी ही कम होगी। जैसे कि लीक हुए पेपर के लिए 75 लाख का भुगतान करना, यानी कि 45 मिनट कुछ पहले याचिकाकर्ता वकील हुड्डा के पास दिखाने के लिए सामग्री, इस तरह की पैटर्न पर जो हजारीबाग में हुआ था, तो वो तमाम चीजें जो चल रही थी उनकी तरफ से ये भी कहा गया था। सीबीआई ने कहा है कि गोधरा प्रभारी के पास कोई हल किया हुआ प्रश्न बरामद हुआ था, तो ऐसे में एसएससी ने कहा है कि कुछ सील कर दिया गया है और वापस ले लिया गया। 25/13 यानी कि 2513 ने गोधरा के केंद्रों में परीक्षा दी थी, उसमें से 108,000 छात्रों में से 12 उत्तीर्ण हुए थे। तो ऐसे में जो तमाम कोर्ट के अंदर जिरह चल रही थी उसको देखते हुए जो नीट यूजी मामला था, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अगली सुनवाई सोमवार को होगी, 10:30 बजे सोमवार को होगी। एसडी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट काउंसिलिंग 24 जुलाई से शुरू होगी। इस पर सीजीआई ने कहा कि उससे पहले हम सुनवाई पूरी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनटीए से कहा कि वो रिजल्ट केंद्र पर अपनी वेबसाइट पर डाल दें। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट वेबसाइट पर डालने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह भी कहा कि वो रिजल्ट केंद्र पर अपनी वेबसाइट पर डाल दें, एनटीए 12 बजे तक डालने के लिए अपना कहीं ना कहीं जो चिंतन वो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एनटीए के उम्मीदवार कोई पहचान छुपाते हुए अपनी वेबसाइट पर शहर बार और वह केंद्र एनआईटी यूजी परीक्षा के परिणाम पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए। देखने वाली बात यह होगी, जिस तरीके से तमाम जो बातें सामने निकल कर आ रही थी, अगली जो सुनवाई होगी सोमवार को 10:30 बजे, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से आपने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक पूरी जानकारी देने के फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए हैं, फैसले के बाद क्या तस्वीर देखने को मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम कहें कि एक तरीके से एनटीए को जो फटकार लगाई है, जिस तरीके से पहले जो तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही थी कि वेबसाइट पर पहले जो डाले गए वो सारी चीजें लीकेज कैसे हुई, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहीं ना कहीं एनटीए को बोला है कि जो परीक्षा का समय उससे कुछ ही देर पहले डाला जाएगा, जिससे जो चीजें लीकेज हुई थी वो आने वाले समय में नहीं हो पाए। और अगली सुनवाई जो हायरिंग की डेट मिली हुई है सोमवार को 10:30 बजे, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस पर जिरह शुरू हो जाएगी और आगे का क्या परिणाम होगा उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जूनियर सीनियर्स और जूनियर्स जो जजेस हैं वो अपना फैसला ले रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से आगे आगामी समय में एनटीओ को काम करना होगा उसको लेकर कड़े से कड़े निर्देश दिए गए हैं अभी।